रायसेन जिले के थाना बेगमगंज के फतेहपुर गांव में एक पति ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद पति का शव भी गांव के बाहर एक पेड़ से लटका हुआ मिला। पत्नी का शव घर में खून से लथपथ मिलने पर परिजन उसे उपचार के लिए अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उनके परिवार जन हॉस्पिटल में लेके आए, हॉस्पिटल में उनकी डेथ डिक्लेयर कर दी थी डॉक्टर ने। उस पर हमें सूचना मिली तो हम यहाँ से पुलिस फोर्स गई थी, जहाँ पे उसको चोट गर्दन में और कंधे पे ऐसे दो तीन जगह पर चोट होने की बात सामने आई थी। कंधे पर आया उस पर से वहीं पे स्पॉट पर ही हॉस्पिटल में ही काफ़ी चोट गंभीर थी और किसी धारदार हथियार से डॉक्टर द्वारा लीक किया गया था कि उस धारदार हथियार के कारण उसे चोट आई है और मृत्यु हुई है। तो 302 की FIR की गई।